तय को पूछा, हिस्ट्री पूछा जाता है कि पहले चाचा बीड़ी पिए थे आप, तो हाँ बीड़ी पिए थे। कोई औरत आती है तो पूछा जाता है कि चाची चूल्हा पर खाना बना था, हाँ चूल्हा पर खाना बन रहे थे। तो उनको दो तरह का बांटा गया, एक COPD होता है, एक दमा होता है। एक बीड़ी पीने से होता है, एक कि आपको दवा खाने के बाद आँख रोशनी कम होता है तो हमको बताना है, अगर खुजली होगा तो आकर हमको बताना पड़ेगा, जंडिस हो पीला पेशाब हो तो आकर हमको बताना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मरीज को बताया जाता है, कंप्लेन किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि ऐसा चीज़ हो तो हमको तुरंत आकर हमको बताइएगा। मैं जो ग्राम रेपुरा डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज से आया हूँ, मेरे फैमिली का थायराइड का प्रॉब्लम था। डॉक्टर आजाद आलम की तरफ से आज का फ्री का इलाज है, दवा वगैरह सब फ्री का है, इसलिए मैं आया हूँ। पक्का फायदा मिलेगा, विश्वास है तभी तो आए। सीना छाती से रिलेटेड किसी तरह का समस्या हो, जैसे आपका दमा हो गया, TV हो गया, तो सीवान में आप डॉक्टर आज़ाद आलम से मिल सकते हैं, चकिया बिंदुसार रोड में। और इस तरह के किसी को भी प्रॉब्लम हो तो सही टाइम पे सही जगह जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम में ये बहुत घातक साबित हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी चकिया बिंदुसार रोड में है, सिवान के चकिया बिंदुसार रोड में। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर आज़ाद आलम के क्लिनिक पर है। दुनिया आज स्पेशलाइजेशन में चला गया है, हर चीज़ का जो एक्सपर्ट है, स्पेशल कोई है तो उसका डिमांड है। उसी तरीके से मेडिकल के फील्ड में भी है। अगर आपको पता है कि हमें TV हुआ है, दमा हुआ है, छाती से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी समस्या है, आपके बीमारी के बारे में आपको पता है, तो उसका जो स्पेशल डॉक्टर है आप उसके पास जाइए। तो ये आप देख सकते हैं TV एंड चेस्ट रिलेटेड जो भी कोई डिजीज होता है, दमा से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड कोई भी कभी किसी तरह का कोई भी समस्या हो, खास करके TB, तो सिवान में आप डॉक्टर आज़ाद साहब से मिल सकते हैं। अभी एक इनकी एक अच्छी पहल है कि आज एक कैंप लगाया गया था, तकरीबन 150 से 200 मरीजों को देखा गया फ्री में, तकरीबन आप समझ सकते हैं जो प्रेस्क्रिप्शन फ़ी था वो फ्री, जांच फ्री, और यहाँ तक के मेडिसिन भी दिया गया। तो जो भी यहाँ पेशेंट आए थे उनका तकरीबन 1500 से 2000 रुपए की बचत हुई है। डॉक्टर साहब से मिलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको विजुअल में भी दिख रहा होगा कि आप देखिए पेशेंट का लाइन लगा हुआ है और बहुत दूर दूर से लोग आए थे और अपना इलाज करवा के गए हैं। डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। ऑलवेज हम आपको देखते रहते थे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, थैंक यू। क्या कहेंगे, जो ये आपने शुरुआत किया है और तकरीबन 150-200 मरीजों को आपने फ्री में ट्रीटमेंट दिया और एक मरीज पे तकरीबन 1500 से 2000 की बचत हुई है, ये मतलब कैसे आया जहन में कि ये ना एक जहन में आया था कि फ्री मेडिकल कैंप किया जाए, और मरीज भी बोल रहे थे कि सर पैसा का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कुछ कीजिए। तो मरीजों से राय मसौदा करके ये किया गया और 3 महीने का दवा फ्री जो थायराइड का होता है, प्लस जांच जो T3, T4, TSH होते हैं, और प्लस आज का जो फी होता है उसको मैंने फ्री कर दिया। और ये कैंप जो है every 3 month पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए लगेगा। जैसे अभी आपको थायराइड का लग गया, नेक्स्ट टाइम में कुछ प्लान बनेगा, मरीजों से राय लेकर किया जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम का जो भी होगा वो जाँच किया जाएगा। तो ये बताइए, ये जो कैंप का फ़ायदा जो रियल में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिला, कि ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा दे सकता है, तो इसमें ज़्यादातर किनको फायदा? ना गरीब लोग आए थे, बोल रहे थे कि पैसा का बहुत दिक्कत चल रहा है सर, दवा का भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हमने एक प्लान बनाकर और ये चीज़ पब्लिक के सामने हमने पेश किया सर। तो मतलब बहुत बेहतरीन रहा। हाँ, अच्छा रहा, कैंप रहा, मतलब 11 बजे तक 60-50 थे मरीज। एक चीज़ बताइए, दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ चला गया है, जो लोग किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनका ज़्यादा आजकल डिमांड है, तो दमा से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड
उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसका आप एक्सपर्ट हैं। मेरा जो ब्रांच है टीबी चेस्ट का ब्रांच है, जिसको पल्मोलॉजी बोलते हैं, मैंने MBBS मैसूर से और DTCD जिसको बोलते हैं डिप्लोमा टीबी एंड चेस्ट डिजीज DY पाटिल लंबी मुंबई से किया हूं। और मेरा मेरे लिए स्पेशल है टीबी चेस्ट दामा एलर्जी ILD, इससे मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, वही मैं कह रहा था कि जिनको पता है कि हमको दमा है, टीबी है, और इसके एक्सपर्ट के पास अगर कोई नहीं पहुंच पाता है या इसको सीरियस नहीं लेता है, तो वो इसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए कॉमन एग्जांपल लीजिए टीबी, अभी कॉमन इंडिया में टीबी का जो चल रहा है उसके लिए मैंने दवा जो सरकार द्वारा से जो होते हैं मैं उसको फ्री कराता हूँ, दवा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सप्लाई आता है उसको मैं फ्री कराता हूँ, प्लस 500 रुपीज़ जो मंथली आता है सरकार के द्वारा से, मैंने कह कर सदर से मैं उसको खाता में उनको ट्रांसफ़र करवाता हूँ, और प्लस एक एक महीना पर उनको विजिट करवाता हूँ, और उसको साइड इफेक्ट, मेनली उसका साइड इफेक्ट देखना है। टीबी का दवा चलाने कुछ नहीं होता, उसके लिए साइड इफेक्ट जैसे हुआ कि आँख रोशनी कम हो जाना, कान से कम सुनाई देना, जंडिस हो जाना, लीवर फेल कर जाना, किडनी का प्रॉब्लम होना, या मेनली जो होते हैं ना NTTT का जो होते हैं AKT का, उसको साइड इफेक्ट होता है। उसको मरीज को समझाया जाता है कि आपको दवा खाने के बाद आँख रोशनी कम होता है तो हमको बताना है, अगर खुजली होगा तो आकर हमको बताना पड़ेगा, जंडिस हो, पीला पेशाब हो तो आकर हमको बताना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मरीज को बताया जाता है, कंप्लेन किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि ऐसा चीज़ हो तो हमको तुरंत आकर हमको बताइएगा आप। नहीं नहीं, ये कह रहा था कि अगर अच्छा ठीक है, जब उसकी ट्रीटमेंट होती है तो भी इस तरह के चीज़ें आता है क्या सामने? हाँ सामने आता है, बहुत सारे मरीज को दवा खाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो गया। अच्छा तो उसको तुरंत स्टॉप करके दूसरा तरीके का दवा आता है, फिर उसको दूसरा तरीके से उसको चालू किया जाता है। कोई मरीज एक ही डोज में उसको जंडिस हो जाता है तो फिर उसको दवा रोक कर दूसरा तरह का दवा चालू किया जाता है। किसी का मरीज को 2 महीना कोर्स करने के बाद आँख रोशनी कम हो गया, उसको दवा स्टॉप करके दूसरा दवा चलाया जाता है। तो ये गाइडलाइंस है, PNDT का गाइडलाइंस आता है। टीवी का तो जब हम लोग इलाज वगैरह करते हैं तो जब उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो आप कह रहे थे कि ये चीज़ें सामने आता है, अगर उसी का इलाज नहीं हो तो वो कितना घातक हो सकता है? वो लीवर फेलियर में चल जाएगा, किडनी फेलियर में चल जाएगा, जो मरीज है उसका आँख और रोशनी चल जाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा उसको। तो ये सब चीज़ के लिए मरीज को एक्सप्लेन किया जाता है, एक मरीज को लगभग 15 से 20 मिनट दवा देने के बाद उसको समझाया जाता है कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो तो मेरे पास तुरंत आ पाइएगा, चाहे इस फ़ोन नंबर से तुरंत कॉल करके हमको बता देना आपको। अच्छा एक चीज़ बताइए, चेस्ट से रिलेटेड जो डिजीज होता है ये मेनली इसकी वजह क्या है? अच्छा मेनली जो जैसे TB हो गया, दमा हो गया, तो ये तो दमा का मिलनी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं COPD, जनरली जो शुरुआती में जो बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, और जो गांव के पहले जो औरतें जो होती थी वो चूल्हा पर खाना बनाती थी, उससे मोस्ट कॉमन होते हैं COPD। एक होता है दमा, वो होता है बच्चा में होता है जनरली, वो कॉन्जेनाइटल भी हो सकते हैं और कुछ लेट ऑनसेट होते हैं, नहीं किसी किसी को बच्चा को देखिएगा 10 साल के बाद उसको दमा चालू होता है, तो यह कॉन्जेनाइटल होते हैं, इसको एलर्जी में दिक्कत होता है। जो दमा का मरीज है उनको किसी से एलर्जी होता है, लाइक धूल हो गया, डस्ट हो गया, अगरबत्ती हो गया, परफ्यूम हो गया, उसको दमा बोलते हैं। ये COPD होते हैं, उनको क्या होता है, को पूछा हिस्ट्री पूछा जाता है कि पहले चाचा बीड़ी पिए थे आप? तो हाँ बीड़ी पिए थे। कोई औरत आती है तो पूछा जाता है कि चाची चूल्हा पर खाना बना था? हाँ चूल्हा पर खाना बन रहे थे। तो उनको 2 तरह का बांटा गया, एक COPD होता है, एक दमा होता है, एक बीड़ी पीने से होता है, एक एलर्जी से प्रॉब्लम होता है। सिवान की अगर बात की जाए, सिवान में इस तरह के पेशेंट कितने हैं? ना पेशेंट तो ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब डायग्नोसिस नहीं हो पाता है प्रॉपर, सही टाइम पर डायग्नोसिस, सही टाइम पर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो मतलब इसका मतलब सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता है। जी, इसका एक्सपर्ट है वहाँ, जी जी नहीं पहुंच पाता है। जी यही बात है। हाँ, तो मतलब अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर इसको इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो सीमान के लिए या आसपास सीमान गोपालगंज के लिए आने वाले टाइम में ये जैसे टीबी आपका दमा वगैरह कितना? देखिए टीबी का अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो एक तरह का टीबी होते हैं MDR, जिसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, और प्रॉपर मरीज दवा नहीं लेता है या छोड़ कर लेता है या गलत इलाज से होता है, तो उसको वो मरीज चल जाएगा आपको MDR में, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में। अब रह गया दमा, अगर दमा को प्रॉपर अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो एवरी दमा होने के बाद आपको 10% जो लंग फंक्शन होता है वो कम हो जाते हैं, तो मरीज ना आगे चल कर उसको फेफड़ा सुकड़ जाता है और मरीज आके वेंटिलेटर पर आके चल जाता है वो। अरे वाह, और इसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं?
खाना ही चाहेंगे कि कोई भी मरीज हो उसको प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास भेजिए, और मरीज जो डॉक्टर का चुनाव होना चाहिए वो अच्छा से होना चाहिए, और मरीज जो भी आप दवा देते हैं वो मरीज के बारे में अच्छा से समझाइए उसको। अगर टीबी का दवा देते हैं तो टीबी के बारे में एक एक चीज़ समझाइए कि अगर टीबी से दवा खाने के बाद आपको आँख का रोशनी कम हो या इचिंग हो या कान से कम सुनाई देता हो या पीला पेशाब हो तो तुरंत जिस डॉक्टर से इलाज कराते हैं उस डॉक्टर के पास तुरंत जाकर रिपोर्ट कीजिए आप। फ्री मेडिकल कैंप दिए हैं जी जी, तो ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे लोग आ गए हैं इतने सारे एक ही बार इस तरह का फ्री में, तो मैंने सोडा वाटर का जोश नहीं ना रहेगा ना, हमेशा चलेगा हमेशा। एवरी फिर हम आके फिर पूछेंगे 3 मंथ पर इंशाल्लाह एकदम चालू करेंगे, हम चालू कर दें तो चालू करेंगे, हम लोग आएंगे, आइएगा हाँ बस बस आइएगा प्लीज। तो अगला बार फिर मतलब एकदम होगा, एवरी 3 मंथ पर करेंगे, वादा कर रहे हैं आपसे एकदम इसी तरह के साथ चलेगा चलेगा। चलिए तो ये आप देख सकते हैं इस तरह के जितने सारे जो पेशेंट हैं, सीना छाती से रिलेटेड किसी तरह का समस्या हो जैसे आपका दमा हो गया टीवी हो गया, तो सीवान में आप डॉक्टर आज़ाद आलम से मिल सकते हैं चकिया बिंदुसार रोड में, और इस तरह का किसी तरह का मतलब इस तरह के किसी को भी प्रॉब्लम हो तो सही टाइम पे सही जगह जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम में ये बहुत घातक साबित हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहें देखते रहें।